अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ करेले और गोश्त की रेसिपी। तो करेले गोश्त की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने मटन लिया है आधा किलो, और उसको मैंने बॉईल कर लिया है। उसमें मैंने ये देखें, ये मटन था आधा किलो, इस पर मैंने दो बड़ी प्याज और दो ही बड़े साइज के टमाटर, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड करके इनको बॉयल कर लिया है। तो ये मैंने बॉयल कर लिया था, अब इसको हम सबसे पहले भूनने के लिए रखेंगे और साथ साथ बाकी जो है वो तैयारी कर लेंगे। पहले फ्राई करेंगे और ये प्याज वगैरह जो उनको हम काट लेंगे ताकि इनकी जो ग्रेवी है वो अच्छे से बन जाए। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। इसको हम चूल्हे पर रख लेते हैं। तो ये प्याज हैं 4 से 5 अदद बड़े साइज की, ये मैं बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। तो जो हमारा मटन है उसको अच्छे से भून लूंगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। तो ये मैंने चूल्हे पर रख दिया है और आंच जो है वो थोड़ी तेज है ताकि जो इसमें पानी है वो खुश्क हो जाए। और इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप। तो इसको हम भूनेंगे अच्छे से। तो ये देखें इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो इसमें अब हम ऑयल जो है वो ऐड करेंगे। और ये मैंने दूसरी साइड पे करेले फ्राई कर लिए हैं और इन्हीं का जो ऑयल है ना वो निकाल के मैं यहाँ पे गोश्त में जो है ना वो ऐड कर लूंगी। जितना मुझे चाहिए इतना मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक हमारा करेले के साथ ही अटैच है, उनको लगा के मैंने रखा हुआ था। और अब इसलिए नमक कम ही हम लेंगे, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। नमक का क्या होता है ना कि ये बाद में भी ऐड हो जाता है अगर हमें ज़रूरत हो। तो अब इसे अच्छी तरह हम भून लेंगे। तो ये जो हमारा मटन है वो भुन गया है। तो इसमें हम ये सबसे पहले, ये हमारे पास फ्राई करेले हैं, ये ऐड करूंगी। इनमें ऑयल है थोड़ा, तो ऑयल ज्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने निथार के निकाल रही हूँ। अगर हमें ऑयल की ज़रूरत हो तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। यह ऑयल पहले से जो है ना वो जला हुआ है तो इसकी स्मेल नहीं आएगी। ये करेले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसे 1 से 2 मिनट तक इनको भून लेंगे और फिर हम इसमें यह कटी हुई चॉप प्याज है जो वो ऐड कर देंगे। तो ये हमारे 2 मिनट हो गए हैं। तो इसमें मैं ये प्याज है मेरे पास, ये 4 से 5 बड़ी साइज की प्याज हैं जो मैंने बारीक चॉप की हैं, तो ये इसमें ऐड कर देंगे।
और इसको हम स्लो आंच करके तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको पकने के लिए रख देंगे दम पे। तो उससे ये हमारे प्याज जो है वो अच्छे से गल जाएंगे। तो इस साथ ही इसमें जो है वो मैश भी हो जाएंगे। इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इनको हम 10 से 15 मिनट दम पे रख देंगे। जो प्याज का पानी निकलेगा उसी में ये जो है गल जाएंगे। तो ये जो हमारे करेले गोश्त हैं ये बन के तैयार हो गए हैं। देखें, वैसे तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनाए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। और ये बनते भी बहुत टेस्टी हैं। इसमें हम गरम मसाला जो है वो ऐड नहीं करेंगे। इसमें हम ये एक चम्मच खुश्क धनिया पाउडर है ये ऐड करेंगे और इसको हम सबल धनिया से और सबल मिर्च, ये सबल मिर्च थी, ये बारीक बारीक मैंने चॉप की थी, इनको हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलें अभी हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये हमारा जो सालन था वो बनके तैयार हो गया करेले गोश्त का। तो कैसी लगी आपको ये मेरी आज की वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल किचन विद नाजिया। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।